अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत मुश्किल से मैंने इनको पकड़ा है और आज मैं बनाने वाला हूँ कड़क मुर्ग कढ़ाई। तो सबसे पहले इनको जबा कराते हैं और फिर बनाते हैं कढ़ाई। चले जी। मैं अभी सुहेल के पास पहुंच चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुर्गे अभी जबा कराएंगे। ये बिस्मिल्लाह करो सुहेल साहब। कितना गोश्त निकल सी जी इस मुर्गे चो, दसो मुर्गे चो गोश्त निकल गा सकली है? अगर साफ की था तो आधा पौड़ा किलो में तो आधा किलो पूरा गोश्त आधा किलो ही है। हां अच्छा, आधा किलो ये तो भी तो सफाई करनी है ना, तो साफ करे दे करे ना आधा किलो निकल आओ। नहीं यार, मैंने अंदाजे चीज तक किलो निकल आना, आधा किलो दे नेड़े तेरे के आंदे हो किलो तो 50 ग्राम बात की अगला या बात भी सकदा है गाड़ी। तो ये मुर्गे नु तोलने कितना निकलदा? दोस्तों अभी मैं गोश्त लेके आ चुका हूँ और कड़क मुर्ग कढ़ाई बनाने के लिए पहले मैं सफाई करूंगा गोश्त की, फिर हल्की सी रगड़ाई करूंगा ताकि खून साफ हो जाए। चले कड़क मुर्ग कढ़ाई एक नए तरीके से बनाने वाले हैं। इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, इनमें प्याज है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च है, सुर्ख मिर्च, साथ में गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और नमक है। तो साथ में हम इसमें जो है ना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, कढ़ाई गोश्त मसाला है वो भी डालेंगे। तो यहाँ कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम तेल डालेंगे और उसके बाद प्याज का छिड़काव करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, जब प्याज थोड़े हल्के सुर्ख हुई है तो मैंने इसके अंदर चिकन डाला था और अभी 10 मिनट होने के बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक डालूंगा। इसको ऐसे मिक्स करते रहना है दोस्तों, जब इसमें लहसुन और अदरक ऐसे मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको ढांप के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह देखिए अभी कैसे जो है ना ये रंग बदल रहा है, चिकन हल्का हल्का लाइट जो है ना सूख हो गया। दिस इज द टाइम चिकन इज फुली फ्राइड नाउ एंड नाउ आई विल ट्राई टू ऐड सम टोमेटोस, ग्रीन चिली, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मिक्स मसाला एंड समथिंग मोर। लेट्स ट्राई। गोश्त मसाला के साथ काफ़ी भुन चुका है, अभी इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, 20 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं जी। कड़क कढ़ाई गोश्त खाने के लिए बच्चों की बेचैनी बढ़ रही है।